बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इंडोनेशिया जहां G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे, लेकिन यहां पर बात G20 समिट की नहीं होगी। हम बात करने जा रहे हैं उस इंडोनेशिया की जो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, कभी वहां हिंदू राजा हुआ करते थे और सनातन धर्म को मानने वाली प्रजा होती थी, लेकिन आज इंडोनेशिया में एक मुस्लिम मुल्क बन गया है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इस पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इसलिए खास नहीं है क्योंकि इंडोनेशिया आज मुस्लिम देश है, बल्कि इसलिए खास है क्योंकि हिंदू राजाओं से संपन्न देश मुस्लिम मुल्क में कैसे तब्दील हो गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि वर्तमान में कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन 2047 तक अपने गजवाए हिंद के प्लान के तहत भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इतिहास के पन्नों को खंगाले तो पता चलता है कि इंडोनेशिया हिंदू और बौद्ध बहुल्य आबादी से मुस्लिम देश में कैसे तब्दील हुआ। कहा जाता है कि ईसा की शुरुआत में इंडोनेशिया में छोटी बस्तियां थी, छोटे छोटे कई राज्य थे। इन हिंदू राज्यों का चीन के साथ व्यापार होता था और उसी व्यापार ने इंडोनेशिया को बदलना शुरू कर दिया। 7वीं सदी से इंडोनेशिया में हिंदू राजा श्री विजया का साम्राज्य फैलना शुरू हुआ। उन पर बौद्ध धर्म का खासा प्रभाव था। 8वीं से 10वीं सदी के बीच बौद्ध शैलेंद्र और हिंदू राजवंश के लोग वहां पहुंचे और अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। 13वीं सदी के आखिर में पूर्वी जावा में हिंदू माजापाहित साम्राज्य का उदय हुआ। इसके मुखिया गजाह मदा थे, जिनका असर आज भी इंडोनेशिया में देखा जा सकता है। इस दौर को इंडोनेशिया का सुनहरा काल भी कहा जाता है। साक्ष्य बताते हैं कि 13वीं सदी में ही उत्तरी सुमात्रा से यहां इस्लाम फैलना शुरू हुआ, फिर दूसरे हिस्सों में भी लोग इस्लाम स्वीकार करने लगे। 16वीं सदी तक ये सुमात्रा और जावा का प्रमुख धर्म बन गया, फिर दूसरे हिस्सों में भी इस्लाम बढ़ने लगा। इसने खुद को मौजूदा सांस्कृतिक और धार्मिक असर के साथ मिश्रित किया और इस्लाम अपने उसी तौर तरीकों के साथ इंडोनेशिया में अब भी मौजूद है। इस्लाम और इंडोनेशिया को लेकर एक और थ्योरी सामने आती है, जिसके मुताबिक 9वीं सदी में अरब से सीधे आए लोगों ने यहां इस धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और लोगों का धर्मांतरण किया। एक और थ्योरी कहती है कि गुजरात और फारस से 12वीं से 13वीं सदी में आए सूफी यात्रियों ने इसे फैलाना शुरू किया। तब तक इंडोनेशिया में शैव हिंदू ज्यादा थे और उसके बाद बौद्ध धर्म का असर था। हालांकि अब भी इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म के आने और फैलने का इतिहास बहुत सीमित है, उसका बहुत ज्यादा पता नहीं लगता है। इसे लेकर अक्सर इतिहासकारों में बहस होती है कि इंडोनेशिया में आखिर किस वजह से लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, फिर इसका व्यापक असर कैसे लोगों और समाज पर पड़ा होगा। हालांकि कहा यह जाता है कि जब हिंदू साम्राज्य के राजवंश के लोग और राजा खुद मुस्लिम बन गए तो उनका साम्राज्य भी देमक सल्तनत में तब्दील हो गया। माना जाता है कि जब इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म फैल रहा था, तब दूसरे धर्म के राजघराने के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर अंतरधार्मिक विवाह किए। इसने भी इसे इस्लाम के अनुकूल बनाया, जिसके जरिए इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म का साम्राज्य और आबादी दोनों खत्म हो गई। हालांकि इंडोनेशिया दुनिया का अकेला देश भी है जहां हिंदू और पुरानी बौद्ध धरोहरों, मान्यताओं और रीति रिवाजों का यहां की मुस्लिम बाहुल्य आबादी अपनाए हुए है और उसका आदर भी करती है। लेकिन है तो वो एक मुस्लिम मुल्क, और इससे आज के भारत को सबक लेना होगा, क्योंकि धर्मांतरण का जो खेल देश में पनप रहा है वो खतरनाक है, और उससे ज्यादा खतरनाक है वो PFI जैसे संगठन जो भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का सपना देख रहे हैं, जिनसे ना सिर्फ सावधान रहना है बल्कि उनका सिर भी कुचलना है, ताकि भारत की मिश्रित व्यवस्था और यहाँ के मिश्रित संबंधों को बनाए रखा जा सके। वैसे इस पूरी खबर पर और इंडोनेशिया की इस ऐतिहासिक खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।